हल्द्वानी का एमबीबीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नाम पर अराजकता का अड्डा बन चुका है। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। लिंग दोह समिति के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। दरअसल कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तिथि आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज कॉलेज परिसर में ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, छात्र उपाध्यक्ष, सच्ची पद के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। किसे देख रहा हूँ, बीते कई वर्षों से एनएसआई की स्थिति कॉलेज में इतनी कोई अच्छी नहीं थी। मैं चाहता हूँ इस साल एनएसआई कॉलेज में भारी बहुमत से चुनाव जीते। मैं कमलपुरा की छोटी बहन और मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई भारी मतों से जीते। इतनी भीड़ हमें आज जितनी दिखाई दी, उससे भी ज्यादा वोट मेरे भाई को पड़े। भैया आज हम एमबीबीजी कॉलेज के एनएसआई से यूआर प्रत्याशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी, छोटे भाई सुजय सचिन के उसमें हम रैली में हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हमने पूर्ण रूप से उनका समर्थन किया है। सारे मेरे दोस्तों, बड़े बड़े भाई लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। शुरू से प्यार मिल रहा है मुझे, जिस क्षेत्र में आ रहा हूँ वहाँ से प्यार मिल रहा है, सब जान रहे हैं, तो धन्यवाद उन चीजों के लिए।